में पहला भेद है इसका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, तो ह्रस्व, ह्रस्व दो समान स्वर, यानी दो समान स्वर यदि आपस में मिलते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दो समान स्वर जैसे ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ संधि होती है, तो इसे हम दीर्घ संधि मानते हैं। जैसे अ और प्लस अ बराबर आ, ये इसका स्वरूप बनता है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि में समान एक जाति का स्वर वर्ण होता है, वर्ण एक जाति का होता है जिसमें अ अ बराबर आ या फिर आ अजोर अ बराबर आ या अ जोर आ बराबर आ, इसी प्रकार आ जोर आ बराबर आ। हर हाल में ह्रस्व या दीर्घ लेकिन एक जाति, इसको कहते हैं एक जाति का स्वर होता है, स्वर वर्ण एक जाति के वर्ण के साथ दीर्घ संधि होती है। आप प्रत्येक का हम उदाहरण यदि देते हैं तो जैसे ये परम है और इधर अर्थी, परम के म में अ है, अर्थी में भी अ है, अ जोर अ, अ जोर अ, तो बन गया आ। तो अ इसमें से निकला, देखते दिखाते हैं अ और यहाँ अ, अभी दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है तो बन जाता है आ, आ बन गया। जोड़ने पर अब जो है मिलाने पर हो गया परमार्थी, ये परमार्थी हुआ। इसी तरह आ जोर से पहले आ हो बाद में अ तभी बनेगा आ। जैसे विद्या जोर अर्थी, अब यहां देखिए विद्या में आ है और अर्थी में अ, आ और मिलकर भी बनता है आ, अब ये बन गया विद्यार्थी।